हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपका जो फेसबुक मैसेंजर है दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर आप होम स्क्रीन पे आप खुद का फोटो लगाना चाहती हो या आपका गर्लफ्रेंड का फोटो हो या बॉयफ्रेंड का फोटो लगाना चाहते हो तो दोस्तों अपने सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दोस्तों कि फेसबुक मैसेंजर होम स्क्रीन पर फोटो कैसे लगाए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू साहिल फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे वीडियो के नीचे जाना है, और यहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक लाइक का बटन मिल जाएगा, तो इस खुशी में आपको एक लाइक जरूर कर देना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और साथ में जो घंटे रहे घंटे में आपको ऑल में दबा के रखना है। और नीचे ना पब्लिक अकाउंट पर आने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है या कुछ भी दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। नहीं तो दोस्तों नाइस या गुड वीडियो लिखकर यहाँ पे कमेंट करके भेज देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखा देता हूँ जो मेरा मैसेंजर है, यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा मैसेंजर होम स्क्रीन पर यहाँ पे कोई भी फोटो लगा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो लगा के दिखाऊंगा दोस्तों, जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे मेरा खुद का फोटो या मेरा गर्लफ्रेंड का फोटो यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। तो आपको भी कैसे लगाना है, तो इसके लिए छोटा सा एप्लीकेशन की जरूरत होगा दोस्तों। इस एप्लीकेशन को मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है आपके मोबाइल में। तो यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हो तीन ऑप्शन मिल जाएगा, कलर पिकर, ग्राइट ओवरली, यहाँ पे आपको मेकअप ओवरली करके एक ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसी तरह का इंटरफेस खोल के आ जाता है देख सकते हो। तो यहाँ पे फोटो लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस आइकन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अलाउ दोस्तों आएगा, अलाउ पे क्लिक कर देना है, और अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका गैलरी शो हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे एक फोटो लेना है, मैं यहाँ पे फोटो ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे फोटो लेने के बाद दोस्तों इसी तरह इंटरफेस खोल के आ जाता है देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेकअप ओवरली करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो होम स्क्रीन पे आ गया है फोटो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अभी नीचे यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग करके ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये 70 रहेगा इसको आपको 100% कर देना है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 100% पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करोगे नीचे ना मिलेगा, ये ऊपर में जाएगा दोस्तों, तो देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके हिसाब से कर लेना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको अभी मैसेंजर में जाके दिखा देता हूँ जो मैसेंजर पे फोटो लगा है या नहीं। मैसेंजर यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो मैसेंजर के जो होम स्क्रीन है यहाँ पे फोटो लग गया है। तो दोस्तों ये जो फोटो है आप इसी प्रोसेस से आपके जो मैसेंजर में फोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो यहाँ पे प्ले स्टोर है दोस्तों, आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर है प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लिया, और यहाँ पे आपको सर्च करना है इस ऐप को डिजाइनर टूल्स प्रो करके। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डिजाइनर टूल्स यहाँ पे आ जाएगा, इसका रेटिंग में दिखा देता हूँ। रेटिंग भी 4.1 रेटिंग दिया है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा है। तो दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड करके आपका जो मैसेंजर है, मैसेंजर होम स्क्रीन पर फोटो लगा सकती हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।